दोस्तों टेक्निकल एमआरडी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। ज्वाइन करने से फायदा यह होगा, आपको पाई नेटवर्क के बारे में कोई प्रॉब्लम आती है या केवाईसी के बारे में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे सीधा मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों बात करते हैं पाई नेटवर्क के बारे में। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि बिटकॉइन और पाई नेटवर्क की महीने में आखिर अंतर क्या है, यानी कि क्या डिफरेंस है। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर आप बिटकॉइन में माइनिंग करते हैं तो आपको काफी खर्चा करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन की माइनिंग की। दोस्तों बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए आपको काफी रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, यानी कि आपके पास अच्छा खासा एक कंप्यूटर होना चाहिए, अच्छा खासा सीपीयू होना चाहिए और बिजली की खपत भी काफी होती है। अगर आप बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं तो आपको काफी खर्चा करना पड़ता है और कई ऐसे हार्डवेयर भी आपको खरीदने पड़ते हैं जो कि काफी महंगे होते हैं, तब जाके आप बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं। उसके बाद आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है ये माइनिंग पर डिपेंड होता है। आज के टाइम में भी अगर आप बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं तो आपको इतना ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। जैसा कि अभी के टाइम जानते होंगे आप बिटकॉइन की प्राइस कितनी ज्यादा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन की माइनिंग के लिए इतना ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं, जबकि बिटकॉइन का प्राइस ही इतना ज्यादा है तो इसका माइनिंग करने के लिए कितना खर्चा हो सकता है। हाँ, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है और जिनके पास अच्छे खासे बिटकॉइन है वो इतना ज्यादा खर्चा कर सकते हैं। तो ही बात करते हैं पाई कॉइन की माइनिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे पाई कॉइन की माइनिंग के लिए आपको सिंपल सा एक ही काम करना होता है, आपके पास अच्छा खासा मोबाइल होना चाहिए जिसमें आपका पाई नेटवर्क ऐप है इंस्टॉल होना चाहिए। चाहे आपके पास आईफोन है चाहे आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो उसमें काम चल जाएगा। तो इसकी माइनिंग करने के लिए आपको ओनली एक ही रिक्वायरमेंट है, एक मोबाइल होना चाहिए और आपका डाटा होना चाहिए। जैसा कि आप सभी अभी के टाइम मोबाइल का यूज करते हैं, स्मार्टफोन का यूज करते हैं और साथ में आप नेट का भी यूज करते हैं, और साथ में अगर आप पाई नेटवर्क की माइनिंग करते हैं तो साथ में आप अच्छा खासा प्रॉफिट है जहां पर कर सकते हैं और आपको जहां पर खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आप जहां पर भी नोट्स चला करके खर्चा कर ज्यादा पाई कॉइन अर्न करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। नोट्स का मतलब होता है यानी कि आप ब्लॉकचेन में अपना पार्टिसिपेट ले सकते हैं जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा पाई कॉइन अर्न होते रहेंगे। जितनी ज्यादा P2P ट्रांजेक्शन होती रहेंगी पाई टू पाई तो उसका आपको कुछ परसेंटेज मिलता रहेगा। बट बिटकॉइन से बहुत ही सस्ता है। बट अगर आप एक मोबाइल यूजर है और आप सिंपली मोबाइल में ही माइनिंग करना चाहते हैं तो आप पाई नेटवर्क को चूज कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में बहुत ही जल्दी हमारा पाई नेटवर्क का जो ओपननेट है लॉन्च होने जा रहा है, उसके बाद जितने भी पाइनर्स हैं अच्छे खासे पाई कॉइन अर्न कर चुके हैं उनका जहां पर फ्यूचर है बहुत ही ज्यादा सिक्योर होने वाला है। जो लोग अभी इसके बारे में सोच रहे हैं जुड़ने के बारे में, पाई नेटवर्क को ज्वाइन करने के बारे में, वो जहां पर बाद में पछता सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, पाई नेटवर्क को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।